साहब, वर्ष 1915 में भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन और उच्च न्यायालयों संबंधी तत्कालीन संविधियों को पुनः अधिनियमित एवं समेकित करने के लिए पारित किया गया सन 1861 तथा सन 1911 के उच्च न्यायालय अधिनियमों के प्रावधानों को इसमें पुनः अधिनियमित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सम्राट द्वारा निर्धारित संख्या में नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं भी निर्धारित की गईं। उच्च न्यायालय को आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता दी गई, जिसमें खुले समुद्र में किए गए अपराधों से संबंधित अधिकारिता भी शामिल थी। उन्हें अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया तथा न्यायालय के कार्यों को नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी दी गई, किंतु राजस्व मामलों में किसी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने या स्थानीय प्रचलन और परंपरा के अनुसार राजस्व एकत्र करने के लिए की गई किसी कार्यवाही को अमान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। उसके पास अभी सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण की निहित शक्तियाँ थीं। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अधिनियमित करते हुए भारत की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यकलाप को नियमित करने के लिए एक नया विधान दिया। अधिनियम में उच्च न्यायालयों की स्थापना, अधिकारिता और शक्तियों को नियमित करने वाले कई प्रावधान थे। सन 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी नियुक्ति समय समय पर सम्राट द्वारा की जाएगी। सन 1911 के अधिनियम के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, जिसमें न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 20 निश्चित की गई थी तथा सन 1935 के अधिनियम ने सपरिषद सम्राट को
समय समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति प्रदान की। स्टॉप।